हाय फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है मेरा वो है बॉलर वाटर केमिस्ट्री और ये जो स्लाइड है रियली स्पेशली फॉर बॉल ऑपरेस इंजीनियरिंग के लिए डिज़ाइन है और इवन बॉलर फर्स्ट क्लास के भी जो हैं जो लोग बॉल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी है ये ताकि आप अगर एज अ बॉलर ऑपरेटर हो तो आपको पता होना चाहिए चीज़ सब चीज़ें कैसे क्या क्या मैंटेन होता है और कैसे उस चीज़ को रखते हैं तो हम जैसा हम सब जानते हैं कि हाँ जो बॉलर वाटर है वो एज अ ब्लड ऑफ द बॉलर है तो अगर हमारा बॉलर हेल्दी रखना है तो जैसे तो उसके ब्लड को भी हेल्दी रखना पड़ेगा तो हेल्दी रखना ही नहीं केवल है इट्स नॉट टू बी मेंटेन ओनली इट्स टू बी गुड क्वालिटी एंड आल्सो टू बी मैंटेन मतलब इसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए जो हम दे रहे हैं उसको ब्लड दे रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए ये दो दोनों चीज़ें हमको चाहिए तो ये दोनों चीज़ें हमको कैसे करनी है ये हम जानेंगे आज के चीज़ों में ठीक है तो ये हमारा ऐसा कहीं इंटरव्यू में भी काम आता है और बॉल ऑपरेशन में तो काम आएगा ही आएगा कहीं नहीं जाने वाला है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक तो बॉलो वाटर ट्रीटमेंट मेनली जो है ये एक्चुअली स्टार्टिंग में जो हम करते हैं एल पी करते हैं ये पहला जो वाटर ट्रीटमेंट होता है इनिशियल प्री ट्रीटमेंट के बाद जो होता है वो उसको हम तीन पर, पार्ट में डिवाइड करते हैं वो है ऑल वोलेटाइल ट्रीटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग टाइप ऑल वोलेटाइल ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टाइप और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ये वोलेटाइल ट्रीटमेंट होता है मतलब कि जो वो वो चीज़ें जो कैरी ओवर होती हैं गैस गैसेज फॉर्म में होती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी ओवर होती है नॉर्मल डाइल जो कि रेजिडल फॉर्म में वहाँ पड़ा रहता है वो कैरी ओवर नहीं होती हैं तो वो चीज़ें हैं ये कि हाँ मतलब ये आगे आगे तरफ कैरी ओवर होती हैं तो रिड्यूसिंग टाइप में क्या है वो रिड्यूसिंग टाइप में अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों की डोजिंग करते हैं तो एज अमोनिया उसको पीएच कंट्रोल कर लिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्क्रिवेंजन यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन से आपको आपको पहले पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारा जो डीएम वाउटरेट होना चाहिए वो डी एम वाटर आउटलेट में ऑक्सीजन की जो मात्रा होनी चाहिए लेस देन टेन पी पी एम होना चाहिए और मैकेनिकल डिग्रेशन के बाद ये बिलो सेवन पी एम पी पी एम होना चाहिए ये बिलो सेवन इज अ लिमिट यानी कि आपका दो तीन चार तो ज़्यादा अच्छा है उसके बाद हम हाइड्रोजन डोजिंग तो है करते ही हैं तो हाइड्रोजन है डोजिंग कहाँ करते हैं ये आपको पता है नहीं पता है तो मैं अभी आपका आगे की स्लाइड में बताऊँगा और ये जहाँ पर करते हैं जो रिड्यूसिंग टाइप ऑल वोरा ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कॉपर के मटेरियल्स होते हैं जैसे कि अगर हमारा ऐसे एलोइज़ हुए हैं जो एचपीडर्स में एलॉजूज़ होते हैं वहाँ कॉपर एलॉय हैं या फिर कंडेंसर में वहाँ पर यूज़ करते हैं इसको और जो ऑक्सीडाइजिंग टाइप होता है रिकमेंडेड फॉर द फेरस जहाँ पे कॉपर फ्री अलॉय होते हैं वहाँ पर ठीक है तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर अमोनिया यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर वो प्लांट होते हैं जो ये बॉलर हैं जहाँ पर सुपर क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर चलाते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं और ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी करते हैं ये सुपर क्रिटिकल बॉलर में ही करते हैं तो इसके बारे में भी हम जानेंगे लास्ट स्लाइड में, में इसको मैंने इसको ऐड किया है तो वो कैसे करते हैं क्योंकि अगर वो बंदा जिसने कि सुपर क्रिटिकल बॉलर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है उससे पाला नहीं पड़ा है तो आई थिंक नहीं पता होगा उनको अगर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट क्या होता है क्यों करते हैं तो मैंने उसके लिए भी एक स्लाइड लास्ट में ऐड की है ताकि आप इसके बारे में अवेयर रहें हाँ कुछ टेक्निकल टर्म थे जो हमारे यहाँ डी एम वाटर में छूट गया था जो हम हमें पता होना चाहिए वो ऐसा था कि हाँ सस्पेंडेड सॉलिड का जो साइज़ होता है ग्रेटर देन वन माइक्रोन इज इक्वल टू टेन एक्सप्लेंड माइनस सिक्स मीटर कोलाइडल इंप्योरिटीज़ पॉइंट फाइव माइक्रोन से कम होनी चाहिए साइज़ होते हैं और डिजॉल्व इंप्योरिटीज़ होती है पॉइंट जीरो जीरो वन माइक्रोन होनी चाहिए और एक रूल फार्मूला जो है ये है कंडक्टिविटी इन टू पॉइंट सेवन इज इकुल टू टी डी एस यानी कि अगर हमको कंडक्टिविटी पता है तो हम टी को निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट ये पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स सेवन होता है बट तो इसको राउंड ऑफ पॉइंट सेवन बोलते हैं ये भी राउंड ऑफ ही है ऐसा नहीं है एक्जैक्ट वैल्यू है इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो अगर हमको टी पता है तो कनेक्टिविटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं और अगर कनेक्टिविटी पता है तो हम टी बता सकते हैं कि हाँ कितना होता है तो कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि हाँ इंटरव्यू में कि अगर आपको कनेक्टिविटी पता है तो टी कितना होगा नेक्स्ट टर्म है डी डिस्ट्रीब्यूशन रेसियो एम एस बाई एम डब्ल्यू एम एस मास रिमेंट डिजॉल्बिन स्टीम और मास रिमेंट डिजॉल्बिन वाटर ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको सेपरेशन होता है और कितना ये नॉर्मल ड्रम में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन कंडीशन होती है कहाँ ड्रम में नीचे वाटर होता है फिर वाटर फिर वाटर और वहाँ पे स्टीम uh, सेपरेट होता है तो वहाँ पर क्या मतलब डी मतलब बताता है कि आपको कितना सॉल रिमेन सॉल जो सोल्यूशन में जो स्टीम में और वाटर में कितना डिजॉल्व है अगर वो किसी पर्टिकुलर मात्रा जो है वहाँ पर जैसा सिलिका का यहाँ पे यह जो नॉर्मली सिलिका में यूज़ होगा कि हाँ सिलिका जो है स्टीम में ज़्यादा है या फिर वाटर में कम है तो ये पता चलेगा कि हाँ तो ये हमारा डी आर एस यू कम होना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो स्टीम जो हमारे ट्रवाइन में जा रही है वहाँ पर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ जाए तो अगर जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारा तो डी आर एस यू के बारे में जानेंगे हम एक ग्राफ भी मैंने डाला है इंटरनेट से डाउनलोड करके डाला है वो तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे कि हाँ डी आर एस यू कैसे निकालते हैं वो अभी आगे आएगा स्लाइड और दूसरा एक नेक्स्ट टर्म है कनेक्टिविटी किसी भी प्लांट की जो है वो इनवर्सि प्रपोशन होती है बॉयलर प्रेशर का अगर हमारा बॉयलर वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें कनेक्टिविटी कम रहती है और अगर कम है बॉयलर वर्किंग प्रेशर अगर पचास साठ है तो कनेक्टिविटी का रेंज ज़्यादा होता है हाँ बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट मेनली दो प्रकार का होता है एल पी डोजिंग और हमारे जितने भी हैं एल पी डोजिंग और एल पी डोजिंग एल पी डोजिंग इसलिए कि हाँ लो प्रेशर डोजिंग बोलते हैं लो प्रेशर जो उनमें करते हैं और एच मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर मतलब हमारा जो उनमें डिगरेटर में करते हैं जहाँ पे दो तीन के चार के जी तक प्रेशर होता है और इसके अप्रॉक्सीमेट छः सात के जी भी हो सकता है ऐसा तो नहीं है तो मतलब कम प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू एच पी जहाँ पे डेढ़ सौ 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 अस्सी नब्बे चालीस पचास ऐसा होता है प्रेशर तो हाई प्रेशर साइड में होता है इसलिए वहाँ पर एच बोलते हैं और ये एल पी डोजिंग यूजेज फॉर फीड फॉर फीड वाटर ट्रीटमेंट एंड कंडेंसर वाटर ट्रीटमेंट ये कंडेंसर में भी किट करते हैं कहीं कहीं वहाँ पे कंडेंसर में नॉर्मली अमोनिया का डोजिंग करते हैं और uh, इसको ऑल वर्ल्ड ट्रीटमेंट जैसा मैंने पहले आपको बताया था इसको ऑल वर्ल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं स्टार्ट करेंगे फीड वाटर ट्रीटमेंट से कैन डीरेटर हाइड्रोजन एन टू एच फोर या फिर सोडियम सल्फाइड एन ए टू एस ओ थ्री ठीक है यूज़ करते हैं एज अ डोजिंग फॉर द पी एच बूस्टर एंड स्पेशली फॉर द ऑक्सीजनजर ऑक्सीजन मैंने बताया था कि हाँ ऑक्सीजन अगर आपको जाता है आगे तो बॉयलर वाटर वार्ट से लेके कहीं भी बॉयलर पार्ट्स में जहाँ पर कार्बन स्टील्स और कार्बन स्टील के हैं वहाँ फेरस वॉए हैं वो क्या होंगे कि हाँ मतलब आपको ऑक्सीजन जाएगा तो वो उसको करोड करेगा उसको डिप्लीट करेगा तो उस से कॉरेजम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो जितना हमारा ऑक्सीजन कम जाए उतना ज़्यादा अच्छा है वो तो ऑक्सीजन स्क्रवेंजर बोथ हाइड्रोजन एंड सोडियम सल्फाइड अस नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का फ़ायदा क्या है और कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्योंकि इसी सेक्शन में ही एल uh, पी में ही एक स्लाइड स्ल डाला है नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल टाइप के तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं एन प्लस नाइट्रोजन रिलीज होती है आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है और uh, जब सोडियम सल्फाइड का यूज करिएक्शन करते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन एक बहुत मेजर एडवांटेज है ये आ, क्या करता है कि जो हमारा वाटर वॉल्स है वहाँ रेड ऑक्साइड उसको हेमेटाइट बोलते हैं उसके ऊपर एक ब्लैक आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट का लेयर बना देता है ये इसका एक अदर एडवांटेज है ऐसा पी एच बूस्टर तो काम करता ही है उसके बाद ये एज अ ऑक्सीजन स्क्रेवेंजर भी काम करता है और तीसरा जो मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एडिशनल इसका एडवांटेज है कि ये क्या करता है कि हमारे बॉडी वाटर वर्ल्स पे जो अंदर आयरन का होता है आयरन ऑक्साइड जो होती है उसके ऊपर एक हेमे हेमेटाइट तो उसको बोलते हैं उसके ऊपर मैगनीटाइड आयरन ऑक्साइड दोनों है ये एफ ई जो होता है एफ टू होता है और मैग्नेटाइट होता है एफ थ्री होता है तो ये क्या करता है कि एक मैग्नेटाइड का लेयर बना देता है जो कि करोजन रेजिस्टेंस के लिए काम आता है मतलब एज अ करोजन रेजिस्टेंस का काम करता है ये लेयर हटती भी रहती है जब हमारा पीएच कम चलता है उस कंडीशन में ख़त्म हो जाती है ये बनती भी रहती है तो ये ऑटोमेटिकली बनता और डिप्लीट होता रहता है तो अक्सर ये पूछा जाता है कि हाँ इसका तीसरा एडवांटेज क्या है तो ये पता होना चाहिए कुछ डिसएडवांटेज हैं हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एज बिन क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एनिमल कसनी मतलब ये कैंसरस है ये बोला जा चुका है इसलिए इसको प्रिवेंशन के लिए इसको मना किया जाएगा कि हाँ इसको मत यूज़ करिए इसके बहुत सारे सब्सिट्यूट दिए गए हैं उसको भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्लगिज रिएक्शन करता है विथ ऑक्सीजन एट लो प्रेशर इसलिए नॉर्मली इसको लो प्रेशर में नहीं यूज़ करते हैं और ये क्या करता है कि हाँ अगर हाइड्रोजन रिलीज अमोनिया रिलीज आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑट टू कैन अटैक कॉपरोलाय अगर अमोनिया रिलीज होती है वहाँ से तो ये क्या होता है कि लॉय पे जो हमने पहला रिएक्शन देखा था वह हाइड्रोजन करता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आ, का नाइट्रोजन रिलीज करता है लेकिन अगर टू मॉलिक्यूल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो उसमें अमोनिया uh, रिलीज़ होती है तो वो अमोनिया क्या करता है कि वो प्रेफरेबल नहीं होता है कॉपर उलायस वाले कंडीशन में तो वहाँ पे भी एक इसका मेरिट्स है कि हाँ कॉपर जहाँ ज़्यादा कॉपर कॉपरोलाय होता है वहाँ पर इसको प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा यूज़ करना तो है मतलब उसकी लिमिटेशंस हैं ठीक है हाँ उसके बाद हमारा आता है कि हाँ मैंने बोला था वो, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का तो अल्टरनेटिवस क्या है अगर हमारा हाइड्रोजीन को नहीं यूज़ करेंगे तो तो वोलेटाइल वाले जो हैं उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्राइड और आ, मीको जो को बोलते हैं मिथाइल इथाइल ऑक्साइम कीटो एक्साइम सॉरी एंड हाइड्रोक्यूनोन एंड डेहा डाथाइल हाइड्रोक्मिन तो आप मीको या फिर डेहा याद कर सकते हैं ये दोनों वेल नोन सुने हुए हैं बाकी कार्बो भी है ये वोलेटाइल होते हैं मतलब कि ये क्या होते हैं कि अगर इनको डोजिंग किया जाता है तो ये आगे फरोते रहते हैं और ये लास्ट तक जाते हैं मतलब इनके कुछ परसेंटेज जो होता है ये कंडेंसर तक भी जाते हैं ठीक है और नॉन वोलेटाइल सोडियम इथ इबेट एंड इज नॉन वोलेटाइल ऑक्सीजन स्क्रेवेंजर दैट कैन बी यूज फॉर द अल्टरनेटिव ऑफ सोडियम सल्फाइट एंड हाइड्रोजन ये नॉन वोलेटाइल होता है एक्चुअली ये क्यों बताया वोलेटाइल वाले और नॉन वोलेटाइल का फ़ायदा क्या है कि जो नॉन वोलेटाइल वाले होते हैं ना उनको फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये कंटामिनट्स अगर वहाँ पर जहाँ पे इसे कंडेंसर स्टीम बैक प्रेशर प्रेश जहाँ पर हम उस स्टीम को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ अगर वो स्टीम फार्मास्यूटिकल में या फिर डायरेक्ट फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है डायरेक्टली तो वहाँ पे ये वोलटाइल वाले यूज़ नहीं करते हैं एज अ नॉन वोलटाइल में एर्थोब सोडियम एर्थोबेट का यूज़ करते हैं ये नॉन वोलिटाइल है और इसके साथ इन दोनों के साथ ये जो है ना ये हाइड्रोजन के बेनिफिट जो है ना ये मैग्नेटाइट वाला ये भी होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ इनके साथ भी ये बेनिफिट्स होते हैं कि हाँ ये मैगनटाइड लेयर को बनाते हैं तो ये इनके वोलटाइल और नॉन वोलटाइल के एग्जाम्पल्स हैं आप एक एक दो दो एग्जाम्पल्स जैसे नॉन वोटाइल का एक ही एग्जाम्पल है वोलटाइल का एक या दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कहाँ डेया और मीको हाँ ये हाँ कुछ टॉपिक्स है इसमें जो जानने लायक है एल्पडोजिंग इज डन एड डीटर आउटलेट फीड वाटर लाइन ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है नहीं कहीं कहीं डियेटर में भी यूज़ करते हैं लेकिन मैक्सिमम जगह क्या करते हैं कि हाँ जहाँ से हमारा डियरेटर आउटलेट लाइन निकलती है और बी को जाती है बॉरल फीड वाटर पम्प उसी लाइन पर करते हैं आपको ईजीली दिख जाएगा लेकिन नॉर्मली कोई देखता नहीं है ध्यान नहीं रहता है तो ये पूछ लिए पूछते हैं कई बार होता है कि हाँ मतलब अगर हमारे बॉरल इंस्पेक्टर साहब आते हैं वो पूछ लेते हैं कि हाँ कहाँ होता है अगर आप टेस्ट या कुछ कर रहे हैं तो नॉर्मली वो लेते ही या इंटरव्यू ले लेते हैं एक तरह से छोटा मोटा छोटा मोटा इंटरव्यू ले लेते हैं तो वो पूछ लेते हैं तो कई कई जगह पूछा जाता है रेंडमली ये आज क्वेश्चन है तो हमारे बॉलर ऑपरेटर्स जितने भाई हैं उनको तो पता ही है लेकिन अगर आप फील्ड में कम डीसी पर रहते हैं और फील्ड में कम जाते हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा कहाँ कहाँ डोजिंग पॉइंट्स हैं वो चीज़ें तो ये पता होना चाहिए कि हाँ ये फीड वाटर जो डियेटर आउटलेट की लाइन है ना वहाँ पर ये क्यों करते हैं ताकि प्रॉपर मिक्सिंग अप हो जो वाटर मास जा रहा है उसका फ्लो कम रहेगा अभी डियटर में भी वो काफ़ी लंबा लाइन देकर के करते हैं डोजिंग लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्लो के साथ मिक्सिंग प्रॉपर होता है तो इसके लिए यहाँ पर करते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि हाँ मेकअप वाटर जो होता है उसका डीओ जो होता है सेवन पी होता है जो कि मैकेनिकल डरेशन के थ्रू सेवन पी पी से बिलो होना चाहिए रिमूव बाई केमिकल डोजिंग जो बचा बचा हुआ सेवन से कम है उसको हम हाइड्रोजन डोजिंग के थ्रू कम करते हैं और ये ये भी बेनिफिट था कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोजिव रजिस्टे मेग्नाटाइड लेयर इसको जो कि पेसीवेशन बोलते हैं इस वर्ड को अगर आपको डायरेक्ट पूछा है पेसीवेशन क्या बोल होता है तो पेसीवेशन यही होता है कि हाँ जो हैमाटाइड है उसके ऊपर मैंगटाइड लेयर बनता है ठीक है इज नो वेजिटेबल सॉलिड इन द बॉयलर विद दिस केमिकल डोजिंग ये कभी कोई भी वेजिटेबल सॉलिड नहीं छोड़ता है हाइड्रोजीन यूज फॉर फिफ्टीन टू थर्टीन परसेंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन वाटर के साथ तो पंद्रह से तीस परसेंट तक सोल्यूशन इसका यूज़ करते हैं yeah. अब आते हैं अपने एच पी डोजिंग के ऊपर जो बॉयलर के ड्रम में किया जाता है ठीक है तो उसके बारे में जानते हैं तो ये हाई प्रेशर एरिया में किया जाता है इसलिए इसको एच पी डोजिंग बोलते हैं इसमें क्या होता है सोडियम मैग्नीशियम और आयरन ये मेन है इनके लिए करते हैं ये क्या करते हैं कि हार्ड इंसुलेटिंग स्केल इनसाइड द बॉयलर विच अगर बॉलर ट्यूब फेलियर ये क्या होता है कि हाँ ये दो हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन के जो ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स और क्लोराइड्स है ना ये बनाते हैं हार्ड स्केल जैसे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट तो ठीक है आप सॉफ्ट स्केल बनाते हैं लेकिन ये क्या होते हैं जो अगर सल्फेट और क्लोराइड्स है ना ये या फिर सिलिकेट्स इनके साथ मिल करके हार्ड स्केल बनाते हैं तो इन हार्ड स्केल अगर ये जमता है तो ये क्या होता है कि हाँ एक डिपोजिशन होगा और उस डिपोजिशन के साथ प्रॉपर हीट फ्लो नहीं होगा हीट ट्रांसफर बॉलर का जो हीट ट्रांसफ़र है एज आपको पता ही है कि हाँ जो बॉलर वाटर जो हमारा फ्लो करता है वाटर वॉल्स में एज अ कूलेंट भी काम करता है मतलब जो मटेरियल जो बॉलर ट्यूब है उस ट्यूब को हीट गेन तो करता ही है बट उसको ठंडा भी रखता है तो अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा आता डिपोजिशन आता है तो वो ठंडा नहीं हो पाएगा और वो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओवर हीट के कारण वो ट्यूब फेलियर हो जाएगी तो उस डिपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम फॉस्फेट जो है Uh, तीन फॉर्म में होता है सो मोनोसोडियम डाइसोडियम और ट्राइसोडियम फॉस्फेट मैक्सिमम जगह ट्राइसोडियम फॉस्फेट कहीं यूज़ कर लेते हैं लेकिन uh, कुछ चीज कई क्या एक एनालिसिस किया हुआ है कि हाँ मतलब हमारा कॉम्बिनेशन uh, में भी यूज़ किया जाता है मतलब कि ट्राई को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है अगर हम पी की बात करें तो जो मोनोसोडियम uh, फॉस्फेट होता है जिसको बोलते हैं कि सोडियम एन ए टू पी ओ फोर वो एसिडिक नेचर का होता है और uh, जो पी एच इसका डाइसोडियम फॉसफेट होता है वो सिक्स टू एट उसका होता है पी एच बैरी करता है तो ये पी एच को मेनटेन कर रखता है और डाइसोडियम फॉस्फेट तो पूरा पूरा बेसिक होता है बारह से चौदह तक उसका पी एच होता है इसका रेंज तो आइस के जो मोनोसोडियम का जो वो चार से लेके तीन से ले चार साढ़े चार से आस लेके छः तक होता है पी एच तो इसकी रेंज होती है डिपेंड करता है कितना कितना सोल्यूशन कितना सोल्यूशन लिया गया है तो हिसाब से ये एसिडिक और ये सस्टेनेबल मतलब न्यूट्रल्स थोड़ा थोड़ा लाइटली स्लाइटली बेसिक होता है अपना डाइसोडियम और ट्राइसोडियम फॉस्फेट तो पूरा पूरा बेसिक होता है इट डज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्लज इन स्टीड ऑफ स्केल जैसा मैंने आपको बताया कि अगर स्लज है स्लज मतलब जो होता है सॉफ्ट स्केल मतलब आराम से निकल जाए वो हार्ड स्केल नहीं बनाता है जिसको कि आराम से निकाल सकते हैं इसलिए हम ब्लोडाउन का यूज़ करते हैं तो ब्लोडाउन में क्या होता है कि स्लज निकल जाता है अगर हम सी बी डी दे रहे हैं आई बी डी दे रहे हैं तो हमारा स्लज जो है वो निकल जाता है मोस्टली आई बी डी के केस में निकल जाता है स्लज अगर हमारे नीचे हमारा बना हुआ है तो तो ये क्या करता है कि फॉस्फर डोजिंग क्या करता है एज ए पी एच बूस्टर तो काम करता ही करता है उसके साथ साथ ये जो जो हार्ड स्केल होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको कम करके ये सॉफ्ट स्केल में बनाता है तो हार्ड स्केल बनाने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं में, मेनली है कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड में जैसा कि मैंने बताया था बिज प्रस्पिटेड एज लूज सच स्लज सच एज कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉफ्ट स्केल है और ट्राइस ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ठीक है ये दो तरह के वैसा बताए ना कि आपको कहीं कहीं डायरेक्ट ट्राईसोडियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं और कहीं कहीं कॉम्बिनेशन में करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना पता होना चाहिए कॉर्डिनेटेड फॉस्फेट डोजिंग दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द कंट्रोल फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई द प्लेसिंग इन अपर लिमिट ऑफ अपॉन द एल्किनिटी कॉर्डिनेटेड जो होता है उसको हम ऐसा चाहते हैं कि हम मतलब उसमें फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो ना बने इसलिए हम ये रोजिंग करते हैं मतलब इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं कई कई जगह यूज होता है बट हमारे यहाँ नहीं होता है मोस्टली मोस्टली प्लान में डायरेक्ट हम ट्राइसोडियम फॉस्फेट ही यूज़ करते हैं बट हमको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट फॉर द बॉलर लो प्रेशर ऑफ सिक्स हंड्रेड पी तो इसका ये जहाँ पे हमारा सिक्स हंड्रेड पी से कम होता है पर पाउंड पर पाउंड पर, पर स्क्वायर इंच में होता है यानी कि इसको तो अगर हमको के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो फोटीन पॉइंट टू टू से डिवाइड कर दीजिए आपका आर आराम से आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है तो वन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू फोर्टीन तो पॉइंट टू टू पी तो अगर आपको आ, सिंपल के जी परसेंटेज स्क्वायर में चेंज हो जाएगा आपका ड्रमप्रेशर कितना है तो वो वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर प्रेशर कम होता है ठीक है ट्राइसोडियम फॉस्फेट इज रिएक्ट विथ वाटर एंड एट हाई टेम्परेचर एंड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इंक्रीज बॉलर पी एच एस सोनिथिगर ये ये क्या होता है कि ट्राइसोडियम फॉस्फेट जब हमारा वॉटर में जाता है तो क्या होता है कि डाइसोडियम फॉस्फेट और फ्री एन एच बनाता है ये एन एच कॉस्टिक क्लोजन को कॉस्टिक क्लोजन को इम्प्रूव करता है कि हाँ वो चांसेस होने के चांसेस रहते हैं अगर हमारा एन एच फ्री फॉर्म में है तो एन एच फ्री फॉर्म में नहीं होना चाहिए हमारा to prevent formation of free sodium hydroxide the ph and phosphate phosphate concentration have to be kept below the line correspond to sodium by phosphate ratio 3 theek hai to hamara jo hota hai इसको maintain करें अगर ये हमारा फ्री ना हो सोडियम बढ़ा हो सके तो उसको हमारा क्या करते हैं कि हाँ इसको हमारा रेशियो कम होना चाहिए तब तो ये हो पाएगा कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं फॉस्फेट एंड रिएक्ट थ कैल्सियम और मैग्नीय हाइड्रोक्साइड एंड एंड टू फॉर्म ए फॉस्फेट सॉल्ट दिस प्रोसेस इज नॉट टू बी प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिपोजिट तो इसमें डज नॉट बी प्रिवेंट द डिवलपमेंट ऑफ डिपोजिट एकोमोलेशन ओवर टाइम बट डिपोजिट कैन बी सीरियस गया है कि हाँ उसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको ब्लोडाउन देना पड़ेगा जो भी सॉल्ट फॉस्फेट बनाता है आपको कैल्सियम मैग्नीशियम के साथ मिलने के बाद जो भी आपका स्लज बनता है पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि उसको आपको ब्लुडाउन के साथ निकालना पड़ेगा और ऐसा नहीं किया वो अपने आप निकल जाएगा तो क्योंकि और कुछ होता ही नहीं है वहाँ प्योर वाटर में ऑपरेशन ही होता है ड्रम में और ऑपरेशन होकर प्योर स्टीम ही निकलेगी तो अगर हमारा कुछ बना है स्लज तो उस स्लज को हमको ब्लुडाउन देकर ही निकालना है इफ इनसफिशियंट वाटर इन सफिशियंट बॉलर वाटर इक्ट्रीनिटी इज मेंटेन अगर हम में कम रहे तो मैग्नीशियम कैन बी कंबाइंड विद फॉस्फेट मैग्नीशियम फॉस्फेट फॉर्म अ सर्फेस चार्ज डेट कैन बी एडियर टू द बॉलर ट्यूब सर्फेस एंड देन कलेक्ट सॉलिड फॉर दिस रीजन एल्कुलिट्री इज देन इंपॉर्टेंट ये हम आपको ये अपना बताया था आपको जब डी एम वाटर पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर कम होता है तो हायर पी एच में क्या होता है कि स्लज की स्टेशन होता है और स्लच बना देता है तो इस, इसलिए इसको एल्कुलिटी को मेनटेन कर रखते हैं ताकि ये स्लच फॉर्म में निकल जाए वहाँ पर उल्टा होता है वहाँ पर हमको स्लज नहीं बने इसलिए हम एस एस सी को पहले रखते थे एस बी ए के पहले यहाँ पर हमको जल्दी हाँ हाँ से ज़्यादा हायर पी एच में बताया आपको हायर पी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो स्लज फॉर्म में बन जाता है दूसरा है कि कागरेंट हॉस्पेट ट्रीटमेंट कागरेंट फॉस्पेट ट्रीटमेंट ट्राइसोडियम डाइसोडियम और मोनोसोडियम फॉस्पेट हमारा पहला वाला था वो मेंटेन करके रखते थे कि हमारा डायरेक्ट रेशियो सोडियम बाई फॉस्पेट का एन ए थ्री में होता है तीन सोडियम और फॉस्पेट बाई वन तो थ्री का रेशियो मेंटेन होता है इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा था उसको प्रिवेंट करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हाँ रेशियो को कम कर देते हैं हमारा रेशियो होता है उसको टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि मैंने आपको लास्ट रिएक्शन बताया था ऑफ वाटर सोडियम बाई फॉस्फेट रेशियो ऑफ दिस दिस मॉडिफाइड फॉस्फेट ट्रीटमेंट कैन बी वैरी बिटवीन टू पॉइंट फोर टू टू पॉइंट एट तो इसको क्या करते हैं टू पॉइंट फोर से टू पॉइंट एट के बीच में वेरी करते हैं मतलब कॉम्बिनेशंस में रहते हैं सोडियम और फॉस्फेट uh, का रेशियो ये तभी होगा जब हम मोनोसोडियम डाइसोडियम और ट्राइसोडियम फॉस्फेट को कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो इसको हम कॉगोरेंट फॉस्पिटल ट्रीटमेंट बोलते हैं और उसको कॉर्डिनेट फॉस्पिटल ट्रीटमेंट बोलते हैं तो मैक्सिमम क्लास में कॉर्डिनेट फॉस्फिट ट्रीटमेंट ही होता है अगर आपसे पूछ कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉगोरेंट और कॉर्डिनेट फॉस्पिट ट्रीटमेंट क्या होता है हाँ एक अच्छा फिनोमिना है फॉस्फेट में फॉस्फेट हाइड हाँ आउट सबको पता है टी एस पी है रेक्ट्रोग ग्रेट सॉलिबिलिटी ये क्या होता है कि रेक्ट्रोग्रेट सॉलिबिलिटी मतलब कि वो चीज़ें जो छुप जाती हैं और फिर अपने आप आ जाती हैं इसको रेक्ट्रोग्रेट बोलते हैं तो ये क्या होता है कि जब फॉस्फेट कंसनट्रेशन बॉलर में ज़्यादा हो जाता है तो फॉस्फेट विथ फॉस्फेट विल रिएक्ट विथ बॉलर स्केल फॉर्म आयरन 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 सोडियम फॉस्फेट टू प्रसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ सोलड सॉलिड ये सॉलिड में प्रोस्पिटर रहता है एंड देन बॉलर ट्यूब सर्फेस एंड एल्सफेयर ये कहीं भी मतलब बॉलेट ट्यूब में या फिर आयरन के साथ रजेक्शन करके आयरन फॉस्फेट में प्रेसिपिटेट होने के बाद ये कहीं भी पड़ा रहता है तो ये क्या होता है उस कंडीशन में हमारा फॉस्फेट का कंसनट्रेशन कम हो जाता है तो हमारा ये क्या होता है कि इसको हाइड्रेट बोलते हैं इस फिनोमिना को ठीक है इट कैन रिजल्ट द चेंज इन पी एच तो हमारा अगर हमारा हाइड्रेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा पी एच बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है तो किस कंडीशन में बढ़ेगा किस कंडीशन में घटेगा उसके बारे में जानते हैं तो उस कंडीशी में क्या होता है बिकॉज ऑफ वॉलीबिलिटी ऑफ फॉस्टफेट डिक्रीजेज एज बॉयलर प्रेशर इंक्रीजेज बॉयलर प्रेशर इंक्रीज था फॉलिबिटी हाइडाउटिस टाइप के लिए ओनली नोटिस्ड ड्यूरिंग द लोड चेंज जब हमारा लोड चेंज होता है तब ये होता है जब हमारा लोड हम बढ़ा रहे हैं वो तभी होता है हम स्लोली में नहीं अचानक जब लोड बढ़ता है या घटता है तब में होता है ये ऐसा नहीं कि हम मतलब आराम से बढ़ा रहे हैं आराम से कटा रहे हैं उस कंडीशन में नहीं होता है ये सडन होता है तब होता है प्रॉब्लम ठीक है फॉस्फेट हाइड आउट यूजली अकर रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ फॉस्फेट कंसनट्रेशन एंड डिक्रीज ऑफ पी एच अगर फॉस्फेक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ गया है और पी एच ये ड्यूरिंग द लोड डिडक्शन अगर लोड डाउन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा फॉस्फेट कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पी एच कम हो जाएगा ठीक है उसमें हमको फॉस्फेट पता चलेगा अगर हम बॉयर वाटर का सैंपल भेजते हैं तो उसमें हमको फॉस्फेट कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगा लेकिन हमको पी एच कम मिलेगी ये तब होता है जब हमारा सडन लोड हो, हो जाता है तब और अगर हमारा सडन लोड बढ़ता है बहुत फास्ट हम लोड बढ़ाते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि फॉस्फेट कंसनट्रेशन कम हो जाएगा और पी बढ़ जाएगी तो ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट फिनोमिना होता है इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके लोड को हम इसको फिर फिर से ये फिनोमिना रिपीट करते हैं अगर ये हमारा फॉर्फ हाइड्रोट होता है अगर हमारे हायर लोड में तो हम थोड़ा लोड कम करके कुछ लोड चलाते हैं तो इस चीज फिर से अपने आप आ जाती है तो इसको हाइड्रोट फिनोमिना बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं इवन अपने बॉलस में भी अगर हमारा नॉर्मल कभी कभी होता है कि हाँ फॉस्फेट से मेंटेन नहीं हो पाता है तो थोड़ा बड़ा उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है भी डालते हैं अब कई कई प्लांट में तो डायरेक्ट डा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है और पहले भी यूज होता था पहले के तो प्लांट में तो डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते थे एज अ पी एच बूस्टर उसका कंसनट्रेशन फाइव परसेंट कन्सट्रेशन प्रेफरेबल होता है दूसरा फॉस्फेट बी शुड बी मेंटेन फाइव टू टेन पी पी एम ठीक है सिलिका जैसा कि मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सिलिका का सिलिका क्या होता है जब हमारा डीएम वाटर से कोलाइडल सिलिका के फॉर्म में निकलता है तो यहाँ रिएक्टिव सिलिका के फॉर्म में आ जाता है हायर प्रेशर और टेम्परेचर पर यह मैंने डीएम जो पढ़ा था तभी मैंने बताया था सिलिका फॉर्म हार्ड स्केल विथ कैल्शियम आयन विच इन टर्न स्लज विथ डोजिंग ऑफ फॉस्फेट जब हमारा कैल्शियम सिलिकेट जो बनता है वो फॉस्फेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो स्लज में फॉर्म करता है अगर ये फॉस्फेट डोजिंग ना किया जाए तो ये कैल्शियम सिलिकेट बहुत हार्ड स्केल बना लेगा और अब इस है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा ड्रम में भी वैसे डिपोजिट हो जाएगा और वाटर बॉल में भी डिपोजिट हो, हो जाएगा सिल्का इज ओनली रिड्यूस बाय द ब्लो डाउन अगर हमारा ड्रम सिल्का वाटर या फिर सीवी डी जिसको सीवीडी सिलिका भी बोलते हैं तो वो अगर बढ़ा हुआ है तो उसका एक ही रीजन है उसको रिड्यूस करने का कि उसको ब्लो डाउन उसके अलावा कोई केमिकल आपका काम नहीं आने वाला है कोई केमिकल नहीं डोजिंग करते हैं केवल और केवल ब्लूडाउन के थ्रू ही आप सिलिका को रिड्यूस कर सकते हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मोस्टली पता ही होता है लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हैं तो क्लियर कर लीजिए कि हाँ आपका सिलिका अगर आपको कम करना है तो केवल और केवल ब्लोडाउन देना पड़ेगा ब्लोडाउन के थ्रू ही सिलिका आपकी कम होगी डी आर एस शुड बी लेस देन वन टू प्रिवेंट सिलिका कैरी ओवर कैरी ओवर क्या होता है वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस उसमें बताएंगे हम एक छोटा सा लेंगे दस पंद्रह मिनट का टॉपिक लेंगे उसमें बताएंगे हाँ फॉर्मिंग क्या होता है कैरीवर क्या होता है ठीक है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन ये सिलिका कैरीवर मतलब कि हमारा जो वाटर में ड्रम में वाटर है वहाँ से स्टीम जब बन के निकलती है तो वो स्टीम के साथ सिलिका ना जाए ठीक है तो इस उस सिलिका को रोकने के लिए क्या होता है कि हमारा डी आर एस सी जैसे बताया था कि हाँ स्टीम में जो सिलिका है और वाटर में जो सिलिका है अगर हमारा डी आर एस सी वन से ज़्यादा होगा तो मतलब स्टीम में सिलिका ज़्यादा होगा और वाटर में सिलिका कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा सिलिका डी आर एस यू वन होना बिलो वन होना चाहिए उसके लिए हमको कैसे करना है कि बुड़ौन देना है बुड़ाउन देंगे तो हमारा जितना इतना सिलिका कम होगा वैसे वैसे रेशियो भी उससे मेंटेन हो जाएगा हायर द पी एच लेस सॉलिबिलिटी ऑफ सिलिका इन स्टीम पी एच हायर साइड में मेंटेन होना चाहिए अगर आपका पी एच कम है तो भी आपका हायर सॉलिबिलिटी इन वाटर है तो ये अगर हमको डी आर एस यू मेंटेन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा पी एच शुड बी हाई पी एच कम नहीं होना चाहिए ड्रम का जो पी एच वो है वो कम नहीं होना चाहिए अगर आपका सिलिका जा कर डिपोजिट हो रही है टर्माइन में या फिर सुपरेटर जोन में तो सीधा बात है कि आपने कम पी चलाया है रेंज ऑफ सिलिका लेस देन वन पी पी बी हाँ सॉरी पी पी एम रेली सॉरी वन पी पी एम एक चीज़ हाँ ये क्या होता है नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो वाटर पैरामीटर्स का जो लॉग बुक होता है वहाँ पे पी पी बी में दिया होता है बट प्लीज़ अगर आप बॉलर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पी पी, पी एम में ही बताइएगा कि हाँ हमारा वन पी पी एम से कम होना चाहिए पी पी बी में मत बताइएगा क्योंकि वहाँ पी पी बी वाले वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं वो पी पी एम पर ही विश्वास करते हैं और पी पी एम को प्रीफर करते हैं तो पी पी बी में मत बोलिएगा पी पी एम में ही बोलिएगा ठीक है आपके यहाँ नॉर्मली होगा कि हाँ हाँ वन थाउजेंड पी पी बी या फिर ट्वेल्व हंड्रेड पी पी बी तो आपको पी पी बी नहीं बोलना है पी पी एम में बोलना है तो कहाँ ड्रम की जो सिलिका है वो बिलो वन पी पी एम होना चाहिए हाँ तो एक ये मैंने डी आर एस यू का पी एच था तो मैंने बताता है कि हाँ मैंने इंटरनेट से आपको इजीली मिल जाएगा आप जब डालोगे तो नेट पे ये क्या होता है कि हमारा जब लो प्रेशर बढ़ता है उस कंडीशन में प्रेशर के साथ जैसे कि ये देखिए 500 हंड्रेड पी एच आई इसके साथ हमारा डी आर एस भी बढ़ता है तो ये क्या होता है ये पी एच की लाइन से ट्वेल्व पॉइंट वन एलेवन उसके बाद ये बीच में जो है नाइन के आसपास है तो ये क्या होता है कि हमको बताता है कि हाँ डी आर कैसे मेंटेन करना है और कितने पी में मेंटेन करना है अगर हमारा पीएच कम रहा तो उस कंडीशन में हमारा डी आर एस सी स्टीम में ज़्यादा हो जाएगा और पी एच ज़्यादा रहा तो डी आर एस यू कम हो जाएगा आप किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहें तो हमारा डी आर एस सी देख रहे हैं कि हाँ लोड के साथ बढ़ता है तो हमें इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि जितना आप हायर प्रेशर में चलाएंगे ना वहाँ पर के सिलिका के चांस टर्माइन में सिलिका कैरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको वही पीएच हायर साइड में रख करके और प्रोडाउन के साथ ही इनको सिलिका कंट्रोल करना पड़ेगा तो जैसे जैसे हायर प्रेशर साइड में जाते हैं वहाँ पर हमको सिलिका की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू लोअर बॉलर्स में जो लोअर प्रेशर बॉलर है वहाँ सिलिका का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है वहाँ एल्क्निटी का रहता है नॉर्मली कैल्शियम और मैग्नीसियम्स का हार्डनेस का टी का लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिलिका, सिलिका का हायर प्रेशर साइड में जाने पर सिलिका का प्रॉब्लम आता है जैसा मैंने बताया था ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का जो सुपर क्रिटिकल बॉलर में या फिर वन टू बॉलर में यूज़ करते हैं ऑक्सीजन तो ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं कि हाँ ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि हाँ एज ऑक्सीजन स्क्रेवेंजर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बट यहाँ पर जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं और मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये इसमें क्या होता है कि केवल और केवल अमोनिया डोजिंग करते हैं पीएच बूस्टर कोई हाइड्रोजन नहीं ड्रम तो होता ही नहीं है तो टी पे तो भूल ही जाइए आप तो केवल और केवल अमोनिया से डोजिंग करते हैं और उससे पीएच को बढ़ाते हैं और दूसरा ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसका जस्ट जो पहला मैंने बताया था ना उसके जस्ट रिवर्स है रिवर्स इन द सेंस कि उसके ऊपर एडिशनल है ठीक है तो ऑक्सीजन क्या होता है वो इसकी लाइन पर आते हैं तो फीड वाटर क्विक कैट ऑक्सीजन लेवल थर्टी टू फिफ्टीन पी पी भी मैंटेन करते हैं कॉमन इंजेक्शन पॉइंट आर जस्ट आफ्टर द कंडेंसेट पॉलिसर कंडेंसेट पॉलिसर पॉलिसर मतलब क्या होता है कि हमारे जस्ट सी पी का बाद में एक मिक्स uh, बेड लगा देते हैं जो हम बताया था ना कि मिक्स uh, बेड के बारे में हाँ ये एज अ पॉलिसर काम करता है तो ये एज अ पॉलिसिंग सिस्टम होता है जो कि वाट जो कंडेसर्ड है उसको एज अ पॉलिसर वर्क करता है उस पॉलिसिंग यूनिट के बाद ही हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोजिंग का पॉइंट होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन डोजिंग करते हैं ये तभी करते हैं ये भी कि अगर लोड वेरिएशन होता है तो वहाँ पे नहीं करते हैं जब सस्टेनेबल लोड लोड चलता है तभी होता है ये भी ऐसा नहीं कि हाँ अगर वहाँ पे लोड वेरिएशन कि वो फिर डिस्टर्बिंग हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन नुकसान करता है वहां पे। दिस फॉर्म अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हेमेटाइट ऑन द टॉप ऑफ मैग्नेटाइट। यहां पे क्या होता है कि नीचे तो मैग्नेट हेमेटाइट रहता है उसके ऊपर मैग्नेटाइट लेयर बन जाता है उसके ऊपर उस मैग्नेटाइट लेयर के ऊपर फिर से हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के द्वारा एक हेमेटाइट लेयर का करते हैं उस हेमेटाइट लेयर को बनाते हैं तो वो हेमेटाइट लेयर फिर से वो रेड वाला जो बताया था आपको कि हाँ मैगनाटाइट ब्लैकिस होता है और उसके ऊपर उस मैग्नेटाइट लेयर के ऊपर एडिशनल एक हेमेटाइट लेयर बनाते हैं बनाता है ये ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है कि दिस इज़ अ डेंसर फ्लैटर मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटाइट से और फ्लैटर होता है ये क्या होता है कि हाँ फ्लो रजिस्टेंस जो होता है लेस रजिस्टेंस टू द वाटर फ्लो ये वाटर के साथ फ्लो रजिस्टेंस कम होता है और ये क्या होता है कि एक फ्लो एक्सीटेड क्रोजन होता है जब हम क्रोजन के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद आएगा ये टर्म्स तो ये फ्लो एक्सीटेड क्रोजन को कम करता है ये जो हेमेटाइट लेयर है तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के साथ उस मैग्नेटाइट लेयर के ऊपर एक हेमेटाइट लेयर का निर्माण फॉर्मेशन होता है और वो हेमेटाइट लेयर हमको एक फ्लो फ्लोरजिस्ट क्रोजन से प्रिवेंट करता है और दूसरा ये एक डेंजर फॉर्म होता है तो ये क्या होता है कि नॉर्मली तब करते हैं जब हमारा लोड सस्टेनेबल कंडीशन काफ़ी दिनों तक रहता है तो हम करते हैं और इसकी कंडीशन है कि हाँ ये इसका जो लिमिट है वो इसमें कैटानिक जो है एक्सचेंज कंडक्टिविटी जो होती है पॉइंट वन फाइव माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए तभी होगा ठीक है नहीं तो फिर से वही कंडीशन आएगा कोरोजन एज ए काम करेगा ऑक्सीजन ठीक है आज का टॉपिक यही रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में हम एल्किनिटी को लाएंगे बॉलर प्रस प्रिजर्वेशन केमिकल क्लीनिंग और कूलिंग टावर डोजिंग केमिकल्स के बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो विथ तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम एल्टिटी बॉलर प्रिजर्वेशन केमिकल क्लीनिंग और कुछ कूलिंग टावर केमिकल्स के बारे में भी जानेंगे ठीक है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या जाएंगे और वैसे अगर आप सही में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करिए और आपको अगर कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो लगता है कन्फ्यूजिंग है तो प्लीज़ आप बताइए उसको आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे इनबॉक्स कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बने रहिए आपको पूरा सिलेबस मिलेगा मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स की क्लासेज है उसको भी लूँगा और ड्रॉइंग को भी इंक्लूड करूँगा नो डाउट बीओ विदाउट ड्राइंग इज़ नॉट पॉसिबल तो ड्रॉइंग को तो लेना ही है हाँ स्टार्टिंग के जो मैंने आप दो तीन ड्राॅइंग डाली हैं उसमें थोड़ा क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है बट कोई भी उसमें एरर नहीं है उसको आप लर्न करिए अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपको और क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं उसको और कोशिश करूंगा उसको और इम्प्रूव करने की ठीक है तो और ड्राइंग की क्लासेस भी होंगी तब तक जब तक हमें कोई बी का पेपर क्लियर नहीं तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए मिलते हैं थैंक यू बाय